चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो इंडियन ऑयल का जो वैकेंसी है अप्रेंटिसशिप के लिए, उसके बारे में ही आज के वीडियो का जो सार है वो वही है। उसके अंदर देखेंगे कि कौन से अप्रेंटिसशिप है और कौन से अप्रेंटिसशिप यहाँ पे टेक पार्ट करने वाले हैं। जब भी आप ONGC का जो फॉर्म है अप्रेंटिसशिप का वो भरो, तो ही पूरा का पूरा आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसका लास्ट डेट क्या होने वाला है, उसका एप्लीकेशन का लास्ट डेट क्या होने वाला है, उसका डॉक्यूमेंटेशन का लास्ट डेट क्या होने वाला है, उसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसका क्या लास्ट डेट होने वाला है, वही चीज़ें इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये ONGC है, ठीक है। तो सबसे पहले बात तो ये स्टेट वाइज यहाँ पे उन्होंने दिया है, डिसिप्लिन दिया है, कोड दिया है, उसके बाद टोटल का कितना वैकेंसी है, UR में कितना है, EWS में कितना है, SC कास्ट में कितना है, ST में कितना है, OBC में कितना है, और जो एबिलिटी है उसके अंदर कौन से वैकेंसीज़ है वो यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले बात तो स्टेट वाइज देखेंगे महाराष्ट्र में कितना है। महाराष्ट्र में इसके अंदर क्या है, जो मैकेनिकल डिप्लोमा के लिए है जगह 178 जगह 178 वहाँ पे वैकेंसी है, उसके अंदर 178 वैकेंसी है, उसके अंदर 80 वैकेंसी आपके UR के अंदर, EWS के लिए 17 है, उसके बाद SC के लिए 17 है, और ST के लिए 16 है, और OBC के लिए 48 है, और डिसेबिलिटी के लिए फिलहाल तो यहाँ पे कोई जगह नहीं है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए, आपका डिप्लोमा चाहिए, मैकेनिकल के अंदर डिप्लोमा चाहिए गाइज, और उसके बाद मैकेनिकल के अंदर डिप्लोमा चाहिए, इलेक्ट्रिकल के अंदर डिप्लोमा चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर डिप्लोमा चाहिए, और सिविल के अंदर डिप्लोमा चाहिए। इसके अंदर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर डिप्लोमा वहाँ पे चलेगा। तो उसके बाद देख लीजिए गुजरात के अंदर क्या क्या वैकेंसी, उसके अंदर वो भी वही सेम चाहिए जो ऊपर वाले में है, बट यहाँ पे वैकेंसी वैरी हो रहा है। तो यहाँ पे वैकेंसी 72 सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ के अंदर क्या है, तो अभी छत्तीसगढ़ के अंदर जो है ट्रेड ITI के ऊपर वहाँ पे जगह वैकेंसी है। तो उसके लिए क्या है गाइस, तो ITI जो वैकेंसी है मेरे पास उसके लिए यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वैकेंसी है फिटर के लिए, वैकेंसी है उसके अंदर अप्रेंटिसशिप के लिए, इलेक्ट्रिशियन के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, तो ये सब वैकेंसी उसके अंदर आने वाली है। तो कुछ वैकेंसी इसके अंदर डिप्लोमा के लिए है, कुछ वैकेंसी इसके अंदर ITI के लिए है, अप्रेंटिसशिप के लिए, किसके अंदर गाइज, मैं बार बार बोल रहा हूँ ONGC के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है देखते हैं, उसके बाद दादर नगर हवेली में है, और इसका जो कोड है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। वो कोड का यूज़ आपको, आपका एप्लीकेशन कौन सा है, कौन से आप कैटेगरी में बैठने वाले हो, उसके लिए ये कोड जहाँ पे दिया है, देख लीजिए 116 117 118 ये कोड बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे माने जाते हैं, ठीक है। तो ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए फिर गोवा के अंदर है, फिर गुजरात के अंदर है, फिर महाराष्ट्र के अंदर है। जो महाराष्ट्र के अंदर है तो दो जगह के लिए है, महाराष्ट्र के अंदर यहाँ पे 16 ITI के लिए है और 178 डिप्लोमा के लिए वैकेंसी है, फिर मध्य प्रदेश के लिए है। आपका जो आपको जो कन्वीनियंट लगता है प्लस वहाँ पे जाके आपको फॉर्म भर देना है, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ है, तो उसके लिए अप्रेंटिसशिप का जो पूरा का पूरा अकाउंटेंट के लिए क्या क्या है तो उसके अंदर दिया है, ठीक है। तो ये सब देख लो कोड आप, तो कोड के हिसाब से आपका जो वैरी है वो होने वाला है, ठीक है। गुजरात के अंदर, गोवा के अंदर 3 है यहाँ पे, गुजरात के अंदर 13 है, मध्य प्रदेश के अंदर 12 है, उसके अंदर गुजरात के अंदर भी 12 है, तो ऐसा मिला जुला के टोटल पोस्ट है सब पकड़ के वो है 346। तो आप इसके अंदर आपका फॉर्म भरने में क्या जाता है गाइस, तो फॉर्म भर सकते हो, ठीक है, अप्रेंटिसशिप के लिए। तो नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, नोट दिया हुआ है, तो नोट को आपको ध्यान में रखना है। नोट के अंदर क्या है, ट्रेड अप्रेंटिसशिप का अकाउंट का सर्टिफिकेट चाहिए, उसके बाद ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ लो, जो आपका जो आप कोड नंबर देखने वाले हो कोड के हिसाब से सब कुछ वहाँ पे वैरी होने वाला है। उसके बाद क्या है, प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके अंदर क्या क्या है ये यहाँ पे दिया है। तो सबसे पहले क्या है, फॉर डिसिप्लिन कोड जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है डिसिप्लिन कोड के लिए, वो यहाँ पे नोट डाउन उन लोगों ने किया है। तो क्राइटेरिया के हिसाब से, कोर्ट के हिसाब से आपको वहाँ पे एलिजिबल माना जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, उसके अंदर फॉर द डिसिप्लिन कोड सब कोर्ट के ऊपर यहाँ पे डिपेंड है। तो नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट आता है इसके अंदर सबसे बड़ी बात, तो एज लिमिट सबसे एक्सप्लेन करने वाला टॉपिक है इसके अंदर। तो 18 या मिनिमम 18 साल वहाँ पे दिया है, मिनिमम 18 साल है गाइस, और मैक्सिमम 24 साल है। कब तक चाहिए 18 साल और 24 साल, 28/2/2021 तक उसका 24 साल और 28 साल वहाँ पे चाहिए। और जो SC ST का जो कैंडिडेट है, वो जो एलिजिबल कैंडिडेट है, तो उसके लिए जो PWBD मतलब जो यू नो दैट टाइप ऑफ गाइडलाइन के हिसाब से उसको होने वाला है, मतलब जो अपंग कैंडिडेट है उसके हिसाब से जो उसका जो एक्सटेंशन है, एज एक्सटेंशन, वो उसके ऊपर डिपेंड होने वाला है। तो
उसका जो एज का जो है वो किसके भरोसे पता चलने वाला है? यहाँ पे मार्कशीट है, सर्टिफिकेट इशूड बाय द बोर्ड साइंस सर्टिफिकेट जो मार्कशीट है उसके हिसाब से वहाँ पे देखा जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे सी पॉइंट डिस्कस करेंगे, तो सी पॉइंट के अंदर क्या है गाइस, रिजर्वेशन कौन सा दिया है। तो रिजर्वेशन के अंदर अगर डिस्कस करने जाऊँगा मैं तो यहाँ पे देख लो क्या क्या दिया है रिजर्वेशन के अंदर। तो रिजर्वेशन कंसेशन रिलैक्सेशन कैंडिडेट बिलो द एस सी एस टी, इसके लिए क्या रिलैक्सेशन है वो बताने वाला हूँ। तो रिजर्वेशन के लिए आपको पता ही है मार्क्स के ऊपर उसका इफेक्ट होने वाला है। अगर आप एस सी एस टी कैंडिडेट हो तो आपको 45% चाहिए। जब भी आपका सी जी पी ए निकलेगा डिप्लोमा का आई टी आई का जो आपका ओवरऑल जो परसेंटेज है वो 45% मिनिमम चाहिए बराबर। एस टी एस टी के लिए और जो बाकी कैटेगरी है ओबीसी वगैरह उनके लिए 50% चाहिए, बस इतना ही है। तो नीचे क्या है पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीरियड अप्रेंटिसशिप कितने साल कितने ईयर का है गाइज, वो है 12 मंथ का। 12 मंथ मतलब गाइज 1 ईयर का यहाँ पे उसके अंदर आपको पूरा टाइम पीरियड है। उसके बाद डेट ऑफ रिकरिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके अंदर क्या होने वाला है वो ही 28 तक आपका 18 साल मिनिमम और 24 साल मैक्सिमम होने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। अब अगर आप एससी और एसटी कास्ट के हो तो उसके अंदर आपका रिलैक्सेशन वहाँ पे जो है क्राइटेरिया के हिसाब से आपको दिया जाएगा। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी क्या होने वाली है इसके अंदर, तो उसके अंदर है पेपर तो रहेगा ऑब्वियसली गाइस, यहाँ पे क्या है आपका गवर्नमेंट का एग्जाम है तो उसके अंदर पेपर तो रहेगा। तो पेपर रहेगा आपका 90 मिनट का पेपर है, उसके अंदर 100 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे और पूरा क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या रहेगा गाइस, मल्टीपल चॉइस यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 90 मिनट मतलब डेढ़ घंटे का पेपर है, उसके अंदर 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट के अंदर। और सबसे बड़ी बात बोलना है तो पेपर खाली हिंदी और इंग्लिश में आने वाला है, उसके अंदर मराठी में नहीं आने वाला, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखते हैं पेपर के अंदर क्या क्या पूछेंगे। टेड अप्रेंटिसशिप जो अकाउंटेंट के लिए जो है उसके लिए क्या पूछने वाले, पेपर का पैटर्न दिया हुआ है। जनरल एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 मार्क्स का पूछने वाले, उसके बाद रीजनिंग एबिलिटीज़ है 30 मार्क्स के लिए और बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज है वहाँ पे 40 मार्क्स के लिए। किसके लिए, खाली अकाउंटेंट के लिए। अभी देखते हैं आप जो फिटर इलेक्ट्रिशियन जो आईटीआई वाले हैं और जो आईटीआई के लिए अप्रेंटिसशिप है और जो डिप्लोमा के लिए अप्रेंटिसशिप है उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है वो भी देखेंगे। ठीक है, टेक्निकल इक्विपमेंट इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन 40 मार्क्स का आने वाला है। उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव एग्जाम 20 मार्क्स का आने वाला है और हो गया ये टोटल हो गया गाइस 40 और 20 हो गया 60, 60 और 20 हो गया 80, 80 और 20 हो गया यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं 100 मार्क्स के लिए। और ट्रेड अप्रेंटिसशिप डेटा एंट्री के लिए क्या आने वाले, 30 30 और 60 और हो गया 40। तो डेटा एंट्री के लिए खाली जनरल एप्टीट्यूड पूछने वाले, रीजनिंग पूछने वाले हैं, बेसिक लेंथ पूछने वाले, बेसिक इंग्लिश उसके अंदर पूछने वाले, बट पूरा पेपर आने वाला है आपका 100 क्वेश्चनों का पेपर है और टाइम क्या है 1.5 आवर उसके अंदर पूछने वाले। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होने वाला है इसके अंदर देखते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो आपको चाहिए ही चाहिए, कास्ट है तो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आप आईटीआई में हैं तो आईटीआई का आपका एनसीबीटी का सर्टिफिकेट चाहिए, आईटीआई में तो एनसीबीटी का सर्टिफिकेट चाहिए, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट चाहिए, 11-12 का सर्टिफिकेट चाहिए जिसके हिसाब से आपका जो एज है वो पता चल जाए। और एज लिमिट तो आप लोग पता है मिनिमम 18 और मैक्सिमम 24 तक है। कब तक है गाइस, 28/2/2021 तक वो आने वाला है। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आप पढ़ लो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल के इसको एक बार पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा क्या इसके अंदर है। ठीक है, अभी देखिए प्री एंगेजमेंट मेडिकल फिटनेस, तो ऑब्वियसली मेडिकल फिटनेस होने वाला है, गवर्नमेंट एग्जाम है तो उसके अंदर मेडिकल फिटनेस वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो जो एक्ट है 2016 डिसेबिलिटी एक्ट के उसके हिसाब से आपका जो फिटनेस टेस्ट है वो होने वाला है, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना ज़रूरी है। तो ऑफर ऑफ एंगेजमेंट देखते हैं क्या है, ऑफर ऑफ एंगेजमेंट के लिए लायबिलिटी डिक्लेयर्ड और अदर कंडीशंस, वो जो सब पूरा कंडीशन है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, और जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पे दिया है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू केयरफुल रीड द फुलफिल एडवर्टाइजमेंट, उसके लिए आपको जनरल इंस्ट्रूमेंट जनरल जो एडवाइज है उसके लिए क्या है वो अच्छे से वहाँ पे पढ़ के ले लो। इसका पीडीएफ में कमेंट बॉक्स इसका पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या तो वेबसाइट के अंदर आपको मिल जाएगा, अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से उसका टर्म्स एंड कंडीशन समझ के ले लो, वही ये पॉइंट में जनरल इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे दिया है। तो नेक्स्ट में क्या है देख लीजिए, उसके अंदर वही सब दिया है। और www.iocl.com का जो वेबसाइट है उसके अंदर पूरा का पूरा आपका फॉर्म फिलिंग है, और फॉर्म जो फिलिंग है फॉर्म फिलिंग ऑनलाइन एलिजिबिलिटी विल बी
ऑनलाइन एलिजिबिलिटी होने वाली है, ओनली मोड ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट किया जाएगा, ऑफलाइन आपको पोस्ट से कोई भी एप्लीकेशन वहाँ पे नहीं भेजना है। और देख लीजिए पॉइंट नंबर सेकंड, हाउ टू अप्लाई में देख रहे हैं अभी अपन, उसके अंदर आपका वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर जाके आपको वो क्लिक करना पड़ेगा कहाँ पे आपका वहाँ पे फॉर्म फिलिंग है। उसके बाद ओनली, फिर एक बार रिपीट करने वाला हूँ, ओनली ऑनलाइन मोड ऑफ एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल है, ऑफलाइन आपको कुछ भी नहीं यहाँ पे भेजना है। तो इसके बाद सेकंड नंबर पॉइंट के अंदर क्या, एलिजिबल कैंडिडेट विल बी इंटीमेटेड बाय द ईमेल, आपको ईमेल आने वाला है, आपने जो फ़ोन नंबर वहाँ पे अप्लाई किया है फ़ोन नंबर के ऊपर आपको SMS आएगा, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा फॉर्म भरने के बाद, और फॉर्म भरने के बाद सक्सेसफुल फॉर्म हुआ है कि नहीं वो ईमेल या फ़ोन नंबर वहाँ पे अटैच करने के बाद ही उसका इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट बिफोर द फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर, रिक्वायरमेंट क्या क्या है, ID एंड मोबाइल नंबर विच मस्ट बी वैलिड फॉर लास्ट 1 ईयर से आपका जो मोबाइल और ईमेल ID है वो वैलिड चाहिए, इसके ऊपर SMS आना चाहिए, वही सब है। SMS के बिना आपको OTP नहीं आएगा, OTP नहीं आएगा तो आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। तो यही है इसके अंदर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अभी, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें इसके अंदर अभी देखने वाली है। तो कैंडिडेट के लिए क्या है देख लीजिए, पॉइंट नंबर 3, एक 10th का मार्क्सशीट चाहिए, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट चाहिए उसके अंदर, और सर्टिफिकेट का सब कुछ चाहिए। और अदर रिक्वायरमेंट क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कैंडिडेट रजिस्टर देमसेल एन अप्रेंटिस विद द RDTA BOPT NSDC थ्रू द गवर्नमेंट पोर्टल के थ्रू अप्रेंटशिप का एप्लीकेशन वहाँ पे एक्सेप्ट करना चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, और कैंडिडेट शुड हैव द बैंक अकाउंट एंड चेकबुक विद देयर ओन नेम, खुद का नेम प्रिंटेड होने वाला आपके लिए पासबुक चाहिए आपके लिए, और उसके अंदर चेकबुक चाहिए जिसके अंदर आपका खुद का नेम है। तो उसके बाद है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ओ नंबर का, इसके ऊपर डिपेंड किया है इम्पोर्टेंट डेट्स फॉर द कैंडिडेट। तो इम्पोर्टेंट डेट्स क्या क्या होने वाले हैं, डिस्क्रिप्शन 5/2 को आ चुका था, उसके बाद लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फॉर्म है 7/3, मतलब और भी अभी दिन बाकी है इसलिए वीडियो बनाना मुझे पड़ा है यहाँ पे। टेंटेटिव डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट कब तक है, 21 तक है। उसके बाद टेंटेटिव डेट फॉर द अपलोड ऑफ प्रोविजनल क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर द 25/3 तक है, तो मतलब 25/3 अगर आपका होने वाला है, अगर हो जाएगा तो 25/3 तक आपका जो वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, 21 के आपका रिटर्न टेस्ट भी होने वाला है उसके लिए, फिर 7/3 को आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा 7/3 को। तो शुरू हो गया है 5/2 से और 7/3 तक आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, तो अभी आपके पास डे बचा हुआ है। उसके बाद जो रिटर्न टेस्ट है वो 21/3 को होने वाला है, मतलब लगभग 14 दिनों के बाद, जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का डेट ख़त्म होने से 14 दिनों के बाद वो होने वाला है। उसके बाद 3 या 4 दिन में आपका अगर रिजल्ट आ जाएगा, 21 और 25 3 के बीच में रिजल्ट आने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पे होने वाला है। रिटर्न टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट द मुंबई, अहमदाबाद, भोपाल, रायपुर, पणजी और सिलवासा, इसके इन जगह पे अगर आपको पॉसिबल हो सकता है जाने के लिए, इसमें से एक जगह पे जाके आप आपका रिटर्न टेस्ट वहाँ पे दे सकते हो। तो ये है पूरा का पूरा ओवरव्यू जो ONGC का जो अप्रेंटशिप निकला हुआ है, ITI में इसके अंदर कवर किया है, डिप्लोमा भी उसके अंदर कवर किया है। तो पूरा का पूरा जो टेक्निकल इन्वायरमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो यही चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस हो रही है। तो आप क्या करो, वीडियो को देखो, एप्लीकेशन भरो, और लास्ट डेट अभी मैंने डिस्कस किया है तो लास्ट डेट को ध्यान में रखते हुए आपका एप्लीकेशन वहाँ तक पहुँचना चाहिए, और एप्लीकेशन पूरा का पूरा गाइस वहाँ पे ऑनलाइन है, ऑफलाइन आपको कुछ भी नहीं भेजना है। तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो, मिलते हैं ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय गाइस, सी यू सून।